इंदौर के राजेंद्र नगर पुलिस के साथ मारपीट करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों द्वारा पास की एक महिला के साथ छेड़छाड़ भी की जा रही थी, जिसको लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर शासनीय कार पे बाधा व छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज किया है। देखिए टाइम्स टुडे इंडिया की ये खास खबर। दरअसल पूरी घटना विज्ञान नगर की है, जहां राजेंद्र नगर पुलिस को सूचना मिली थी कि 2 पड़ोसियों के बीच आपस में ही विवाद हो रहा है। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपी पक्ष की एक महिला ने पुलिस को ही गाली देना शुरू कर दिया और बाद में थाना प्रभारी व महिला कांस्टेबल के साथ मारपीट की, जिसके बाद पुलिस ने एक महिला सहित 3 पुरुषों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि आरोपी पक्ष से एक व्यक्ति रोज पड़ोसी की महिला को छेड़छाड़ कर परेशान करता था, जिसका विवाद हो रहा था। पुलिस ने एक रिपोर्ट महिला की छेड़छाड़ की तो दूसरी रिपोर्ट पुलिस ने खुद अपनी शासकीय कार्य में बाधा डालने की दर्ज की है। हम लोगों को सूचना मिली थी कि कहीं विवाद चल रहा है, 100 डायल पे सूचना थी। हम लोग इलाका भ्रमण करके निकले थे, उसी बीच राजेंद्र नगर चौकी पे जब हम लोग पहुंचे उस विवाद को निपटा कर, तो वहां पर भी कुछ लोगों ने भीड़ इकट्ठा थी। हम लोगों ने भीड़ कटाने की कोशिश करी तो वहाँ के नागरिकों ने बताया कि ये जो व्यापारी है, इसने बगल के व्यापारी की महिला के साथ बहुत झुमा झटकी करी, उसके साथ बहुत अभद्रता की है और वो लोग थाने गए। हम लोगों ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उस भीड़ को हटाए और इनसे बात करने की कोशिश करी कि विषय क्या था, जिस पर इन लोगों ने पुलिस बल को गाली गलौज करी। और जब इनको समझाने की और ज़्यादा कोशिश करी कि चलो भाई तुम गाली गलौज मत करो, जो भी विषय थाने पर आकर बोलना, तो उस पर इन लोगों ने हम लोगों को धक्का मुक्की करी। हमने महिला बल बुलाया तो उसकी कॉलर पकड़ी और हमारे आरक्षकों के साथ मारपीट करी। ये सारा विषय हुआ जिस पर हमने इन पर शासकीय कार्य में बाधा और सहाशय पुलिस को भय में डालने की धाराओं के साथ मुकदमा दर्ज किया है।